साथियों आज मैं फिर से हाजिर हुआ आप लोगों के सामने सऊदी अरब की कुछ खास जानकारी लेकर के तो वीडियो पे बने रहिएगा जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस साल बिना हज परमिट के काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है बता दू कि सऊदी अरब सरकार ने पहले से ये स, बता दिया था कि जो लोग बिना परमिट के हज अगर करने जाते हैं तो उन लोगों को भारी भड़कम जुर्माना देना पड़ेगा और जेल की सज़ा भी होगी इसके बावजूद सत्रह हज़ार छः सौ लोगों ने बिना हज परमिट के मक्का में इंट्री किए और हज करते हुए पकड़े गए इसके अलावा 105 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी और नकली परमिट बेच रहे थे जो लोगों को फर्जी तरीके से फर्जी और जाली परमिट बेच रहे थे और पैसा कमा रहे थे वो लोगों से पैसा लेकर के जाली परमिट दे रहे थे हज करने के लिए और पैंतीस ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इन फर्जी परमिट वाले लोगों को लेकर के मक्का में इंट्री करवा रहे थे और ये जो पैंतीस लोग थे ये फर्जी हज परमिट वाले लोगों को अपनी गाड़ी से लेकर के मक्का में एंट्री करवा रहे थे और मक्का में उन लोगों को ले आकर के छोड़ रहे थे हज करने के लिए इसके अलावा सऊदी अरब की अलबहा से एक घटना सामने आई है जहां पर एक सऊदी नागरिक ने पेट्रोल पंप पर काम कर रहे लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मारा वहां पर दो लोग मौजूद थे एक लोगों को सऊदी शहरी ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारा और दूसरे लोगों को गाड़ी से उतर करके उनके साथ मारपीट किया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद उस सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ बता दूं कि जो लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल किए थे उनको भी सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है एंटी इन्फॉर्मेशन क्राइम लॉ के तहत ये बताया गया कि जो लोग इस तरीके की घटना को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे डालते हैं उसको वायरल करते हैं ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है सऊदी में क्योंकि इस तरह की घटना को इस तरह की घटना जो होती है और इसका जो वीडियो होता है वो ये सिर्फ आप पुलिस से, से शेयर कर सकते हैं पुलिस को दिखा सकते हैं कि इस तरीके का घटना यहाँ पे हुआ है और पुलिस उस आदमी के ख़िलाफ़ में कार्रवाई करेगी उसको गिरफ्तार करेगी और उसको जेल भेजेगी आप इस तरीके का कोई सा भी वीडियो सऊदी अरब में सोशल मीडिया पे वायरल नहीं कर सकते यहाँ पे क्या है एंटी इन्फॉर्मेशन क्राइम लॉ जो भी क्राइम होता है तो उसको बिना इन्फॉर्मेशन के आप सोशल मीडिया पे वायरल नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर सकते अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये काफ़ी वायरल हो रहा है इन दिनों और ये वीडियो अलबहा का है जहाँ पे एक पाकिस्तानी नागरिक का एक्सीडेंट हो गया है और उसको हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि सऊदी शहरी है जो सऊदी सरकार की काफ़ी बड़ाई कर रहा है यहाँ पे किसी भी गैर मुल्की और सऊदी में फर्क नहीं होता है यहाँ पे यहाँ का जो कानून है यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है सबके लिए बराबर होती है तो देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से उस पाकिस्तानी नागरिक को हेलीकॉप्टर लेकर हॉस्पिटल लेके जाया मक्का मुकरमा हॉस्पिटल में लेके जा रहा है उसके इलाज के लिए जो वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया है और ये खबर जद्दा म्यूनसिपलिटी की तरफ से आई है कि मक्का मुकरमा से गैर कानूनी तरीके से गोश्त को ले जाते हुए काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर बताया गया कि ये लोग पाँच जानवरों के गोश्त को गैर कानूनी तरीके से शहर के बाहर लेके जा रहे थे मक्का मुकरमा से बाहर लेके जा रहे थे मक्का मुकरमा के आसपास के शहरों में लेकर के जा रहे थे जिसको वहां पर पकड़ा गया है उन लोगों से ये गोश्त को जब्त किया गया है और ये लोग को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और बताया गया है कि ये जो गोश्त था वो इस्तेमाल के काबिल नहीं था ये जो लोग थे ये अपनी गाड़ी के डिग्गी में गोश्त को लेकर के जा रहे थे जो काफ़ी गर्मी की वजह से गोश्त ख़राब हो चुका था और ये लोग इस ये गोश्त को यहाँ से ले कर के जा कर के शहर के बाहर में दुकान में या होटल में रेस्टोरेंट में बेच देते हैं कम दामों में तो म्यूनसपलिटी की तरफ से बताया गया है कि ये जो गोश्त था ये इस्तेमाल के काबिल नहीं था ये बहुत ख़राब हो चुका था तो इन गोश्त को जब्त किया गया है और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है नष्ट कर दिया गया है और बता दूं आप लोगों को कि जद्दा के अंदर तीन पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और बताया गया कि ये तीन नागरिक जद्दा के अंदर नशीले सामान को बेच रहे थे और बेचते हुए ये पकड़े गए हैं और भी ये वीडियो देख सकते हैं कि जद्दा के अंदर जो सिक्योरिटी फ़ोर्स गई थी काम करने के लिए हज के दौरान तो अल्हम्दुलिल्लाह हज बहुत अच्छे तरीके से कामयाब रहा जितने भी हाजी सऊदी अरब में हज करने के लिए आए अलहमदिल्ला सब ने अच्छी तरीके से यहाँ पर अल्लाह के रहम करम से हज पूरा किया है तो सिक्योरिटी फ़ोर्स ने अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है और देखिए कि इसने अच्छे से अपने काम को अंजाम देने के बाद अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ये कुछ खास जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा तब तक दीजिए इजाज़त फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़